हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे हम आज। इससे पहले के जो एक्सरसाइज हैं, टॉपिक्स हैं, उनके वीडियो में बना चुका हूं और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो हैं वो डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं आपको कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस आपने 11th क्लास में पढ़े थे, और फंक्शन होते क्या हैं? वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं। क्या स्पेशलिटी होती है उनमें? कि डोमेन के हर एलिमेंट की कोई इमेज होगी। एक तो ये स्पेशलिटी होती है, यानी डोमेन का कोई भी एलिमेंट बिना इमेज के नहीं रहेगा, यानी डोमेन का कोई भी एलिमेंट लेफ्ट ओवर नहीं रहेगा। डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी कोई ना कोई इमेज ना हो। एक तो स्पेशलिटी ये है। दूसरी ये है कि एक यूनिक इमेज होगी हर एलिमेंट की। डोमेन के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी। यूनिक से मतलब है, मतलब एक एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा इमेज नहीं होंगी, केवल एक एलिमेंट की फ्रॉम डोमेन एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। गॉट इट? ये स्पेशलिटी अगर किसी रिलेशन में है तो वो फंक्शन कहलाएगा। ठीक, यहां देखिए, ये x और ये y दो सेट हैं और उन पे एक फंक्शन डिफाइंड है। यहां इसने इनको x1 x2 लिख रखा है, तो आप वो भी कंसीडर कर सकते हैं। और इस रिलेशन को, यानी इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं f1 फ्रॉम x2 y, या फिर जो गिवन है उस हिसाब से लिखिए f1 फ्रॉम सेट x1 टू सेट x2। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। सो वो लिखने का तरीका है, वो हमें पता है, तो सेट्स डोमेन और कोडोमेन कोई भी हो हम लिख देंगे। ये कहलाता है आपका डोमेन और ये कहलाता है कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन और रेंज में फर्क होता है। क्या होता है कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है, और कई कई बार इसके बराबर भी होती है। तो ये साइन यूज करेंगे हम, सबसेट और इक्वल्स टू कोडोमेन। ठीक है, वो उसका सबसेट भी होती है और कई बार उसके बराबर भी होती है, उससे ज्यादा नहीं होती वो। समझ गए? सो डोमेन कोडोमेन फंक्शन सेट्स जो हैं वो डिस्क्राइब्ड हैं। अब देखिए इस फंक्शन की स्पेशलिटी क्या है। ये फंक्शन तो है, ये हमें पता है, बट इसमें स्पेशल क्या है वो देखते हैं। इस फंक्शन में हर एलिमेंट की एक इमेज है। वन की इमेज है ए, यानी कि अगर इस फंक्शन का मैं और टेबल बनाऊं, टेबुलर फॉर्म में लिखूं, तो क्या मिलेगा आपको? ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, जिसमें वन रिलेटेड है ए से, टू रिलेटेड है बी से, थ्री रिलेटेड है डी से, और फोर रिलेटेड है सी से थ्रू दिस फंक्शन f1। ठीक है, सो ये टेबुलर फॉर्म में मैंने फंक्शन लिख लिया। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको स्पेशल? जो ऐसा फंक्शन होता है ना, उसको हम बोलते हैं 1-1 और इंजेक्टिव। 1-1 और इंजेक्टिव। अब इस नोमेनक्लेचर से आप समझ गए होंगे, 1-1 का मतलब 1-1। हर एलिमेंट, जैसे कि 1 रिलेटेड है सिर्फ ए से, 2 रिलेटेड है बी से, 3 रिलेटेड है डी से, और 4 रिलेटेड है सी से। ऐसा नहीं है कि 1 भी रिलेटेड है ए से और 2 भी रिलेटेड है ए से, ऐसा नहीं है। ठीक है, फंक्शन जो है वो आपका 1-1 है, जिसको कि इंजेक्टिव भी बोलते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे? ज्यादातर ये नाम यूज किए जाते हैं, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, आगे आएंगे मैं बताऊंगा आपको। सो आप इसको याद इस तरीके से रख सकते हैं कि जैसे आजकल वैक्सीन लग रही है, और वैक्सीन के लिए जो इंजेक्शन यूज होता है वो एक ही बार लगता है एक आदमी को, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, दूसरे को नहीं लगाते। आजकल यही प्रैक्टिस की जाती है हॉस्पिटल्स में। ठीक है, एक इंजेक्शन को दो बार इस्तेमाल नहीं करते। तो आप इंजेक्टिव को इंजेक्शन से कनेक्ट करके ये समझ सकते हैं कि एक इंजेक्शन एक ही आदमी को लगेगा। ठीक है, यानी 1-1। तो याद रखने का तरीका है, आपके पास कोई और हो तो आप उससे याद रख सकते हैं, मुझे यही ध्यान आया इसलिए मैं यही बता रहा हूं आपको।
ठीक है। सो जैसे एक इंजेक्शन एक ही आदमी को लगता है, तो यहां भी डोमेन का हर एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है कोडोमेन में, ठीक है, गॉट इट। अब यूं कंफ्यूज मत हो जाना कि फंक्शन की तो डेफिनेशन ही यही है कि एक से ही कनेक्टेड होगा, ठीक है, यूनिक इमेज होती है, बट कई बार क्या है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो जाते हैं कोडोमेन से, ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी यहां नहीं है। वन वन फंक्शन ऐसा होगा, इंजेक्टिव फंक्शन ऐसा होगा कि जहां डोमेन के हर एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज होगी, हर अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज होगी, डोमेन के हर अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज होगी, सिंपल टर्म्स में ये समझिए आप, ठीक है। इसको बोलते हैं वन वन इंजेक्टिव, वन वन बोलेंगे या फिर इंजेक्टिव बोलेंगे। डेफिनेशन देखते हैं इसकी, डेफिनेशन नंबर 5 है आपकी बुक में। ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई इज डिफाइंड टू बी वन वन और इंजेक्टिव, वन वन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। सो ए फंक्शन इज डिफाइंड टू बी वन वन और इंजेक्टिव इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो हैं सेट एक्स के डोमेन के, उनकी डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं अंडर योर फंक्शन एफ, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, वन वन इंजेक्टिव, वन वन या फिर इंजेक्टिव, ठीक है। उसने आगे समझाने की कोशिश की है, दैट इज फॉर एवरी एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि एक्स वन x2 belongs to x, यानी डोमेन के कोई दो एलिमेंट्स हैं x1 और x2, और अगर इनकी इमेज fx1 और fx2, फंक्शन से इमेज ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे ना हम, तो दो एलिमेंट्स x1 x2 हैं और अगर उनकी इमेजेस इक्वल हैं, इसका मतलब है कि x1 भी इक्वल्स टू x2 है, x1 x2 हैं इक्वल तभी उनकी इमेजेस इक्वल हैं, समझ गए। या इसको यूं कहूं कि दो अलग अलग एलिमेंट्स लिए x1 x2 बट उनकी इमेजेस सेम हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज दैट दैट इफ इमेजेस आर सेम देन दैट इंप्लाइज कि x1 इज इक्वल टू x2, जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हैं। वन वन फंक्शन में ऐसा होगा, ठीक है, वन वन फंक्शन में ऐसा होगा कि इमेजेस सेम हैं तो वो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। अच्छा, अब अगर वन वन नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, फिर ये कंडीशन है जो हमने पहले डिस्कस की थी कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स का सेम इमेज है, डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट्स का इमेज क्या है, सेम है, ये देखिए ये पॉसिबिलिटी, ठीक है, और इनको बोलते हैं मैनी वन, मैनी वन, यानी कि मैनी एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू सिंगल इमेज, वन इमेज, ठीक है, डोमेन के मैनी एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इमेज, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड मैनी वन फंक्शंस, ठीक है। सो वो इसमें भी हो सकता था, अगर देखिए मान लो वन रिलेटेड होता ए से और टू भी रिलेट हो जाता ए से, थ्री भी रिलेट हो जाता ए से, तो ये भी क्या हो जाता, मैनी वन फंक्शन हो जाता, बट ऐसा है नहीं, यहां क्या है, हर एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज है, सो ये वन वन फंक्शन है जिसको कि इंजेक्टिव भी बोलते हैं। अब देखिए फिगर 1.2 में जो आपको फंक्शंस दिए हैं चार में से, उनमें से कौन कौन सा वन वन या फिर इंजेक्टिव है देखते हैं हम, या कौन सा मैनी वन है। देखिए F1 तो हम डिस्कस कर चुके, ये तो वन वन है, वन वन या फिर इंजेक्टिव, इसको ध्यान रखने के लिए आप इंजेक्शन से इसको कंपेयर कर सकते हैं कि एक आदमी के एक ही लगता है, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड में वन इज रिलेटेड टू बी, सो वन इज रिलेटेड टू बी, बी लिखता हूं मैं, आप एक ऑर्डर्ड पेयर ये बन गया, और टू इज ऑल्सो रिलेटेड टू बी, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये मैनी वन, क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज है, सो मैनी एलिमेंट्स फ्रॉम डोमेन आर रिलेटेड टू वन एलिमेंट इन कोडोमेन, सो मैनी वन फंक्शन हो गया ये,
ठीक है, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, जैसे वन वन का इंजेक्टिव है तो मेनी वन का कोई स्पेशल नाम नहीं दिया है, तो हमें भी क्या जरूरत है मेनी वन। तो फंक्शन टू जो है वो F2 फंक्शन जो है वो मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, F3 फंक्शन देखिए, F3 थर्ड ग्राफ में देखिए, वन इज रिलेटेड टू A एंड टू इज ऑल्सो रिलेटेड टू A, ये भी क्या है मेनी एलिमेंट्स फ्रॉम डोमेन आर रिलेटेड टू वन एलिमेंट इन कोडोमेन, सो मेनी वन फंक्शन हो गया ये भी। ठीक है, और फोर्थ देखिए, F4 फंक्शन देखिए, वन इज रिलेटेड टू B, टू इज रिलेटेड टू C, थ्री इज रिलेटेड टू A और फोर इज रिलेटेड टू D। यहां डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, तो ये भी क्या हो गया वन वन, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम डोमेन आर रिलेटेड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन कोडोमेन। ठीक है, सिंपल ऐसा समझिए। वन वन और मेनी वन तो हमने डिस्क्राइब किया डोमेन के बेस पे, कि डोमेन के एलिमेंट्स जो हैं वो कोडोमेन के एलिमेंट से कैसे रिलेटेड हैं, वो वन टू वन रिलेटेड हैं या मेनी टू वन रिलेटेड हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कोडोमेन में क्या चल रहा है, कोडोमेन के हिसाब से भी हम कुछ डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, बताता हूं आपको, F3 फंक्शन देखिए, F3 फंक्शन में क्या है कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, यानी कि कोडोमेन में भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, कोडोमेन के हर एलिमेंट की एक प्री इमेज है, जैसे ए की दो प्री इमेज है वन और टू, बी की एक प्री इमेज है थ्री और सी की एक प्री इमेज है फोर, और इसके अलावा कोई एलिमेंट कोडोमेन में नहीं है, यानी कोडोमेन के हर एलिमेंट की एक प्री इमेज है। F4 फंक्शन में भी देखिए, कोडोमेन में एलिमेंट है ए बी सी और डी, और इनकी हर एलिमेंट की, कोडोमेन के भी हर एलिमेंट की प्री इमेज है, ए की इमेज है थ्री, बी की इमेज है वन, सॉरी प्री इमेज, ए की प्री इमेज है थ्री, बी की प्री इमेज है वन, सी की प्री इमेज है टू और डी की प्री इमेज है फोर। यानी कि आप यूं कह सकते हैं F3 फंक्शन के लिए, ऐसा कह सकते हैं कोडोमेन और आपका रेंज जो है वो दोनों सेम है, कोडोमेन X3 है, या यूं कहूं कि रेंज और इज इक्वल टू कोडोमेन दैट इज X3 जो सेट गिवन है। ठीक है, और रेंज ऑफ F4 इज इक्वल टू X4, रेंज और कोडोमेन सेम है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव, ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव। कैसे एलिमेंट, कैसे फंक्शन को हम ऑन टू और सब्जेक्टिव बोलेंगे, ऐसे फंक्शन को जिसमें कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज हो, यानी कि कोडोमेन में भी कोई भी एलिमेंट बिना प्री इमेज के ना हो। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे ऑन टू या फिर बोलेंगे सब्जेक्टिव, दोनों में से कोई भी नाम यूज करो, दोनों सही है। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे, तो ऑन टू से मतलब है जैसे कि कवर कर लेना किसी चीज को, ऑन टू। ठीक है, कवर करने से याद रखो कि डोमेन ने कोडोमेन को पूरी तरीके से कवर कर रखा है, कोडोमेन में भी कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। ठीक है, कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो, तो यानी कि पूरा का पूरा कोडोमेन जो है वो हमने रेंज में कन्वर्ट कर दिया, उसको कवर कर दिया रेंज से। ठीक है, ऐसे करके याद रखो आप, ऑन टू यानी कि कोडोमेन भी पूरा कवर अप है। ठीक है, सब्जेक्टिव। डेफिनेशन देखिए इसकी भी, डेफिनेशन 6 है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेट टू बी ऑन टू और सब्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, अब वाई क्या है कोडोमेन, सो इफ Every element of y is the image of some element of x under function f. That is, for every y belongs to set y. Every y belongs to set y का क्या मतलब हुआ कि हर एक इमेज जो कि
सेट वाई में है, जो कि कोडोमेन है अपना, हर एक इमेज जो कि सेट वाई में है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन सेट एक्स। उस हर इमेज के लिए, उस हर इमेज वाई के लिए एक्स सेट में जो कि डोमेन है उसमें एक एलिमेंट एक्स होगा, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, कहने का तरीका है, दूसरे तरीके से कान पकड़ रहा है, सिंपल सी बात यही है कि कोडोमेन में जो भी एलिमेंट है उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होगी, वो किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होगा डोमेन में। अच्छा, जो फंक्शन अब ओनटू नहीं है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इनटू, इनटू उसको बोलेंगे इनटू फंक्शन। ठीक है, ये ओनटू हो गया, वो इनटू फंक्शन। ठीक है, जो ओनटू नहीं है वो इनटू, यानी कि कुछ कोडोमेन में एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, जो कि किसी डोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ओके, अब इसमें देखिए कौन सा इनटू है और कौन सा ओनटू फंक्शन। फंक्शन एफ वन देखिए, एफ वन में दो एलिमेंट्स ऐसे हैं, देखिए ई और एफ, जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, यानी डोमेन में वो किसी से रिलेटेड नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू फंक्शन। ऐसे ही देखिए एफ टू फंक्शन है, उसमें ए है, ई है और एफ है, इनकी कोई प्री इमेज नहीं है, यानी कि डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इनसे रिलेटेड हो, ये रह गए खाली। ठीक है, सो यहां भी इनको भी क्या बोलेंगे, इनटू, इनटू फंक्शन। ठीक है, सो कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, इनटू फंक्शन। ठीक है, ये इनटू फंक्शन हो गए, ओके। या यूं कह सकते हैं, आप यूं भी समझ सकते हैं कि कोडोमेन में से रेंज जो है वो हमने सिलेक्ट की है, और इस केस में इनटू फंक्शन में हमेशा क्या होगा, रेंज जो है वो सबसेट होगी कोडोमेन की, यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे रह जाएंगे कोडोमेन में जो खाली हैं, जो किसी से रिलेटेड नहीं है, डोमेन के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो रेंज जो है वो सबसेट हो जाएगी कोडोमेन की इनटू के केस में। ठीक है, रेंज जो है वो इक्वल्स टू होगी कोडोमेन के इन केस ऑफ ओनटू फंक्शंस और सर्जेक्टिव। ठीक है, अब देखिए फंक्शन एफ थ्री देखिए, इसमें भी कोई एलिमेंट कोडोमेन में ऐसा नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, और एफ फोर फंक्शन भी ऐसा है जिसकी ऐसा है जिसमें कोडोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, तो ये दोनों ही फंक्शन क्या है, ओन टू फंक्शन है, सब्जेक्टिव फंक्शन है, जिसमें रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है। सो अब देखिए ये जो डोमेन है उसके बेस पे हम फंक्शन डिस्क्राइब करते हैं, वन वन या फिर मैनी वन। ठीक है, और जो कोडोमेन है उसके बेस पे हम बोलते हैं कि या तो फंक्शन ऑन टू होगा या फिर इनटू होगा। वन वन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्शन से कंपेयर करके देख सकते हैं आप इसको, और इसको सर्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, सो अब ये जो चार मेरे पास अलग अलग टर्म्स हैं इनको ऐड करके मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूं, और उस टाइप के फंक्शंस हमें मिलते हैं। देखिए क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, वन वन ओन टू हो सकता है और वन वन इन टू हो सकता है। वन वन ओन टू जो है, यानी जो इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है, उस फंक्शन को हम बोलते हैं बायजेक्टिव, बायजेक्टिव। ठीक है, जो वन वन ओन टू है, ठीक, और जो मैनी वन है उसको भी हम ओन टू से कनेक्ट कर सकते हैं और इनटू से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चार डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हमारे पास होंगे, एक तो वन वन ओन टू, एक वन वन इनटू, ठीक है, और एक मैनी वन ओन टू और एक मैनी वन इनटू। ठीक है, ये चार अलग अलग टाइप के फंक्शंस होंगे हमारे पास। सो अब फिर देखते हैं उसी एग्जांपल में कि ऐसे कौन कौन से हैं।
तो F1 फंक्शन को सबसे पहले वाले को क्या कहेंगे आप? देखिए, हर एलिमेंट डोमेन का एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ये 1-1 हो गया, ठीक है। और को डोमेन में दो एलिमेंट्स खाली हैं, तो इनटू, सो ये हो गया 1-1 इनटू, ठीक है। F2 फंक्शन देखिए, F2 फंक्शन में डोमेन के दो एलिमेंट्स 1 और 2 एक सिंगल एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, बी से, ठीक है। सो ये हो गया मैनी वन। दूसरा, को डोमेन में देखिए ए, ई और एफ, इनकी कोई प्री इमेज नहीं है, यानी कि ये भी हो गया मैनी वन इंटू, ठीक है, इंटू फंक्शन हो गया ये को डोमेन के बेस पे, और डोमेन के बेस पे हो गया मैनी वन। सो 1-1 इंटू F1 फंक्शन, F2 फंक्शन मैनी वन इंटू, और F3 देख लेते हैं। F3 में देखिए 1 और 2 जो हैं वो रिलेटेड हैं A से, तो ये हो गया मैनी वन। और को डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो, तो ये हो गया ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, ठीक। F4 फंक्शन देखिए, हर एलिमेंट की, डोमेन के हर एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज है, यानी कि ये हो गया 1-1, ठीक है, मैनी वन नहीं है, अब ये क्या है 1-1। और को डोमेन में कोई एलिमेंट खाली भी नहीं है, तो ये हो गया मैनी वन ऑन टू, सॉरी 1-1 ऑन टू, ठीक है। सो ये क्या हो गया 1-1 ऑन टू, और इसको एक और नाम भी देंगे हम, बायजेक्टिव, ठीक है। सो 1-1 इंटू, मैनी वन इंटू, मैनी वन ऑन टू एंड 1-1 ऑन टू, ये चार टाइप के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं आपके पास फंक्शंस के, यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शन में ये चार टाइप्स हैं आपके पास। सो अब डेफिनेशन 7 देखिए, डेफिनेशन 7 है कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई इज सेट टू बी 1-1 एंड ऑन टू और बाइजेक्टिव। तो जो फंक्शन 1-1 ऑन टू बोथ होगा, यानी 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, सिर्फ उसे हम बाइजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। सिर्फ 1-1 को क्या कहेंगे, इंजेक्टिव, ठीक है, और सिर्फ ऑन टू को क्या कहेंगे, सर्जेक्टिव, और जो 1-1 ऑन टू दोनों होगा उसको बाइजेक्टिव। इफ एफ इज ए बोथ 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन, तो 1-1 ऑन टू फंक्शन बाइजेक्टिव किसे कहेंगे, जो कि 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। सो ये चार टाइप के ही फंक्शन हैं, और इनको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार फिर देख लीजिए, और कोई कंफ्यूजन हो आपको तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।